ये आपका बटर चिकन प्याज़ा तैयार हो गया भाई। तो भाई यहाँ पे जो है ना टिक्के बिरयानी का भी ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे भाई ये ना ग्रेवी में जो है टिक्का आपका उसका भी ऑप्शन है भाई यहाँ पे आपके पास। 20 किलोमीटर चल के आते हैं यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट कैसा है, क्या चीज़ इनका ज़्यादा अच्छा है? कबाब बहुत बढ़िया, सारी चीज़ होती है, कबाब बढ़िया इनके, जो भी आए 10 दिन हो गए आते हुए लगातार लगातार। अच्छा, इतना पसंद आ गया? अरे ये आ रही भाई, इसके अंदर हरे मिर्च, ये सीक्रेट मसाला आ गया भाई इनका। तो ये जो है ना भाई भर भर के इसके ऊपर बटर आ गया है ये। तो यहाँ पे ये सारे टिक्के जो है इनके तैयार हो गए भाई, ये चेक करें भाई। अच्छा ये फिश फ्राई है ये? अच्छा कौन सी फिश है ये? हमीर भाई ने जो है ना खाना लगा दिया भाई यहाँ पे, मलाई ये आ गया, मलाई टिक्का है, मछली के, मछली के कबाब भाई, बहुत ही अल्टीमेट, मैंने फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ भाई मछली के कबाब। तो मटन के कबाब भी अलीगढ़ में आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा भाई, मतलब पहली जो बाइट ली है ना मैंने उसमें जो टेस्ट आया है। तो भाई अगर आप अलीगढ़ में हैं और दिल्ली वाले कुरेशी कबाब का जायका लेना चाहते हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोधपुर में, और ये सामने आपको जो है ना जोधपुर की बड़ी मस्जिद दिखाई जाएगी रोड पे, और ठीक बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ये कुरेशी कबाब है भाई। वैसे तो ये खुर्जा के बहुत ही ज़्यादा फेमस कुरेशी कबाब है, लेकिन इसमें जो टच आता है ना भाई वो दिल्ली वाले कुरेशी कबाब का जो टच है भाई वो पूरा आता है भाई इसके अंदर। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, और वीडियो जो है अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो सेटअप है ना भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, कैसे हैं? ये कबाब कौन से हैं ये बताइए पहले तो। ये कबाब बीफ के हैं। अच्छा ये बड़े कबाब हैं, और ये वाले? ये बड़े के हैं। सारे कबाब बड़े के हैं। कुरेशी कबाब की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना आपको बीफ के कबाब मिलेंगे, और साथ में यहाँ पे ना इनके पास चिकन के भी कबाब हैं और मटन के भी कबाब हैं, और यहाँ पे जो है ना कुछ इनका रोटी वोटी का सेटअप चला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कह रहे थे हैं? तंदूरी, ये रुमाली रोटी है, क्या रेट है इसका? 6 रुपये की एक रोटी भाई। यहाँ पे जो है ना रुमाली रोटी जो है भाई हाथों हाथ सीख रही है, और यहाँ पे कुछ इनके टिक्कों का भी सीन चला भाई। ये कौन सा टिक्का है ये? मलाई टिक्का, चिकन हरियाली, चिकन। अच्छा ये हरियाली है, रोस्टेड है। ये रोस्टेड है, और ये सिंपल चिकन टिक्का है। तो ये चीज़ है भाई, यहाँ पे कुछ ये फ्राई वगैरह का सीन लग रहा है भाई। फिश फ्राई है, चिकन फ्राई है। अच्छा ये फिश फ्राई है ये? अच्छा कौन सी फिश है ये? कढ़ाई। और ये चिकन फ्राई का सेटअप आपका है। अच्छा यहाँ कुछ ग्रेवी वगैरह का आइटम है क्या आपका? चिकन प्याजा बनाएंगे हम। बटर चिकन प्याजा, प्याजा बटर चिकन प्याजा। अच्छा ये क्या चीज़ होती है? ये होती ग्रेवी बनती है। चलो वो देखेंगे भाई। और यहाँ पे कुछ भाई लोगों ने कैसा लगा टेस्ट आपको यहाँ पे? टेस्ट अच्छा है। अच्छा तो आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आ चुके हैं? मैं ये एक बार आया और दोस्तों को लेकर आया, वो कहते हैं टेस्ट टेस्ट बढ़िया इनका, और रेट वाइज वगैरह सब कुछ बेहतरीन। मेन्यू कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये इनका जो है ना ये इनका मेन्यू कार्ड है भाई कुरेशी कबाब का, जिसमें आपको सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ, जिसमें सादा कबाब से लेके इनके जो भी बिरयानी और टिक्का और ग्रेवी के जो सारे आइटम है ना सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई यहाँ पे। तो ये कुरेशी कबाब का ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, जहाँ से आप जो है ना इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहती है आपके यहाँ पे, टाइमिंग क्या रहती है करीब यहाँ पे? 2 बजे से स्टार्ट है, सुबह मतलब दोपहर में 2 बजे से, और रात के लास्ट 11 बजे तक लास्ट हो जाता है। यहाँ पे भाई बटर चिकन जो है ना वो बनने जा रहा है, और भाई ने कढ़ाई रख दी, जा रहे मक्खन है। नाम मुझे बता दिए पहले, आप नाम क्या आपका? मोहम्मद समीर। समीर भाई, तो ये आप शेफ हैं भाई यहाँ के मेन? ये बात है भाई, समीर भाई जो है वो कुरेशी कबाब के शेफ हैं, और भाई ने जो है ना यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया बटर हमारा। तो यहाँ पे बटर जो है ना गर्म हो गया, उसमें जा रही है इनकी ग्रेवी अपनी, ये बटर की बटर की ग्रेवी है ये। अच्छा तो इसके अंदर ग्रेवी आ गई है, और अभी जाएगा इसमें प्याजा। अच्छा बटर बटर चिकन प्याजा है ये, तो इस वजह से उसके अंदर जा रही है प्याज। चिकन काटते हैं वाला। अच्छा ये फ्राइड चिकन है ये, तो ये बात है भाई। अच्छा 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 यहाँ पे जो है ना भाई ये चिकन के कुछ पीसेज हैं जो फ्राई होने जा रहे हैं, ओ ये बात है भाई। उसके बाद जाएंगे ग्रेवी में ये, क्यों? इसके बाद ग्रेवी में जाएंगे। आप कितने साल से काम कर रहे हैं करीब यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 8 साल से काम कर रहा हूँ। इन्हीं लोगों के साथ जी, छोटी उम्र से? बहुत छोटी उम्र से काम। अच्छा अच्छा अभी जा रही है इसमें क्रीम है, अमूल क्रीम इसके अंदर। ये बात है भाई। हरी मिर्च है ये, हमारा मसाला, ओहो सीक्रेट मसाला जी जी, ये बात है भाई। ये आ गया मसाला इनका है, और इधर चिकन भी फ्राई हो रहा है भाई। यहाँ पे जो है ना भाई ग्रेवी इनकी लमसम पक गई है, ग्रेवी में जाएगा। तो यहाँ फ्राई चिकन आ गया भाई, जो जा रहा है इनकी ग्रेवी में। ये बात है, ये बात है, यहाँ पे थोड़ी सी मला जा रही है। अब जो है ना बटर चिकन तैयार हो चुका है यहाँ पे, और इसको जो है ना सर्व किया जा रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ये। ये आपका बटर चिकन तैयार हो चुका है, बटर चिकन प्याजा।
भाई ओनर जो है मैं आप हैं यहाँ के मेन होलसेल इंचार्ज आप हैं, तो खुर्जा से यहाँ कैसे आना हुआ, क्या प्लान हुआ यहाँ पे आने का? खुर्जा से आते हैं खाने के लिए। ये बात है, समझ गया हाँ, ये होता है कभी कभी टेस्ट के लिए यहाँ से बहुत लोग बुलंदशहर जाते हैं पराठे खाने के लिए। ये बात है, समझ गया मैं आपकी बात। और इसके ऊपर जा रही है यहाँ पे प्याज, इनकी प्याज यहाँ पे आ गया भाई, इनके ऊपर बटर आ गया भाई। ये आपका बटर चिकन प्याजा तैयार हो गया भाई। अब नेक्स्ट जो है और क्या चीज़ बढ़िया आती है यहाँ पे? चिकन मलाई टिक्का, अच्छा चिकन कबाब, अच्छा चिकन कबाब और फिश जी। तो भाई यहाँ पे जो है ना टिक्के बिरयानी का भी ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे भाई ये ना ग्रेवी में जो है टिक्का आपका वो उसका भी ऑप्शन है भाई यहाँ पे आपके पास। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है ना भाई कुछ हमारे ट्राई कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कैसा टेस्ट इनके खाने का? बढ़िया। कहाँ से आते हैं आप यहाँ खाने के? वहाँ से यहाँ सिविल लाइन में 20 किलोमीटर चल के आते हैं यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट कैसा है, क्या चीज़ इनका ज़्यादा अच्छा है? कबाब बहुत बढ़िया, सारे चीज़ बढ़िया कबाब बढ़िया इनके। और ये जो आप खा रहे हैं बटर चिकन प्याजा, ये कैसा है टेस्ट में? बेहतरीन, मतलब रेट वाइज वगैरह सब कुछ सही है? सब कुछ ठीक। चलो ये बात अच्छी है भाई, यहाँ पे जो है ना कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाई हैं सारे जो भी आए। 10 दिन हो गए आते हुए लगातार लगातार। अच्छा, इतना पसंद आ गया आपको? अरे वाह। और कहाँ से? वही साझा माल से हैं, करीब 10 किलोमीटर दूर से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो यहाँ पे जो है ना ये फिश कबाब जो है हम अपने लगवाने जा रहे हैं भाई। अलीगढ़ में फिश कबाब मेरे ख्याल से कोई लगा नहीं रहा है, क्यों? फिश कबाब जो है ना भाई यहाँ पे ही आपको मिलेंगे कुरेशी कबाब पे। ये आ रहे हैं भाई चिकन कबाब इनके, और खुशबू यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त आ रही है भाई। और ये जो है ना बड़े कबाब आ गए यहाँ पे, तो ये आ गए बड़े कबाब, और यहाँ पे लगने जा रहा है हमारा ये मटन है, ये मटन कबाब आ गया, ये आ गया मटन कबाब, और इसके ऊपर आ गए हरी मिर्चें। ये बात है, ये आ गई हमारी दही क्रीम, ये आ गए दही की ग्रेवी है, दही क्रीम की। जी जी जी, ये बात है भाई। तो यहाँ पे आ गए भाई कबाब सारे, ये और ये आ गए अमूल की क्रीम है। ये चेक करें भाई, ये जो तैयार हो रही है ना भाई प्लेटिंग, और वो बहुत होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जो रेट है इनका काफ़ी और जगहों से काफ़ी कम है, और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी आप कोई भी ले सकते हैं, आप 2 कबाब भी ले सकते हैं, 3 कबाब भी ले सकते हैं, 4 कबाब ले सकते हैं और 5 कबाब भी ले सकते हैं। इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको इतना ही लेना है, हाफ लेना है या फुल लेना है, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है भाई। ये आ गया बटर ऊपर से है, ये बात है भाई। तो ये जो है ना भाई भर भर के इसके ऊपर बटर आ गया है ये, तो यहाँ पे ये सारे टिक्के जो है इनके तैयार हो गए भाई। ये चेक करें भाई, तो कुरेशी कबाब जो है ना वो भाई अपने कबाब के लिए फेमस है, जहाँ पे आपको इतने सारे कबाब की वैरायटी मिलेगी भाई। तो ग्रेवी मैंने आपको दिखा दी, टिक्के मैंने आपको दिखा दिए, तो चलते हैं अंदर और टेस्ट करके आपको बताते हैं इसका टेस्ट जो है ना वो कैसा है भाई। क्या नाम है भाई आपका? आमिर भाई ने जो है ना खाना लगा दिया भाई यहाँ पे, ये मलाई टिक्का, ये आ गया मलाई टिक्का है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है भाई देखने में। बटर चिकन प्याजा, ये बटर चिकन प्याजा आ गया हमारा, ये आपके सैलेड, ओहो साथ में आ गए सैलेड। तो आमिर भाई आप यहाँ पे सर्विंग का काम कर रहे हैं? जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप करीब यहाँ पे? 1 मंथ हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। आपका बड़े का है? तो आप अलीगढ़ से हो, कहाँ से हो? मैं खुर्जा से ही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बड़े के कबाब आ गए भाई यहाँ पे, ये बकरे के, ये आ गए बकरे का भाई, मटन कबाब आ गया भाई यहाँ पे, ये मच्छी के, अरे है मछली के कबाब भाई, बहुत ही अल्टीमेट, मैंने फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ भाई मछली के कबाब। ये चिकन के, ये आ गए चिकन कबाब भाई। तो यहाँ पे ना ये भाई, तो ये भाई सारा सेटअप है भाई, चेक कर लें एक बार। कबाब की इनके पास सारी वैरायटीज़ हैं भाई, चिकन से लेके मटन, मछली और बड़े का हर चीज़ है भाई। ग्रेवी के भी इनके पास आइटम है भाई, बहुत सारी चीज़ें इनके पास। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट जो है ना वो भाई कैसा है। तो भाई खाना जो है ना वो हमारा लग चुका है, और मैं जो है ना सबसे पहले ट्राई करूँगा इनके फ़िश के कबाब भाई। तो यहाँ पर जो है ना ये इनका फ़िश का कबाब चेक कर लें भाई, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और अलीगढ़ में ये पहला रेस्टोरेंट ऐसा है जो आपको ना मछली के कबाब खिला रहा है भाई। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे जो है ना इन्होंने थोड़ी सी इसमें क्रीम डाली है, बटर डाला है, और खुर्जा में ना भाई इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई मछली के कबाब की। तो इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। भाई लेकिन मानिए ये जो कबाब का टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है कबाब। तो यहाँ पे भाई कबाब जो है ना वो एक बार चेक करें भाई, यहाँ पे जो कबाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है भाई। तो मछली के कबाब इस तरह से आपने खाए कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक और बाइट लेते हैं इसकी, बिस्मिल्लाह। अल्टीमेट बाइट,
कहीं पे भी ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है ना कि मछली की कोई स्मेल आ रही है, बहुत अच्छे से कुक हुआ है भाई। इसके बाद ट्राई करेंगे इनके मटन के कबाब भाई। तो मटन के कबाब भी अलीगढ़ में आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा भाई, तो इसको ट्राई करते हैं मटन के कबाब को। बिस्मिल्लाह। भाई जो मटन का कबाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, फिश जो है वो थोड़ा कम आपको चटपटी लगेगी, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अल्टीमेट है। और ये जो मटन का है ना कबाब, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मसालेदार चटपटा, और जो पहली जो बाइट ली है ना मैंने उसमें जो टेस्ट आया है वो भाई इतना ज़बरदस्त चटपटा सा आया है, और इनके जो मसाले पड़े हुए हैं इसमें इसकी वजह से जो टेस्ट आया ना बहुत अल्टीमेट टेस्ट आया भाई। तो अगर आप अलीगढ़ में तो आप मटन कबाब को ज़रूर ट्राई करिएगा भाई, और कुरेशी कबाब पे आके आप जो है ना ये ज़बरदस्त है मटन कबाब और फिश कबाब जो है ना वो ट्राई करते हैं भाई। यहाँ पे चिकन कबाब आ गया इनका, भाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। लेकिन मानिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप दो कबाब खाने के मन से आएंगे ना, कम से कम आप चार कबाब खा के आएंगे भाई। बहुत बहुत लगा भाई कबाब मुझे। ये इनके बड़े के कबाब, अलीगढ़ में बड़े के कबाब तो हर जगह आपको मिलते रहते हैं भाई, लेकिन इनका जो कबाब है ना बड़े का वो भाई चेक करो भाई। भाई बहुत से लोग यहाँ पे जो है ना वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कबाब खाने के लिए, और कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि कुरेशी कबाब की वीडियो जो है वो दिखाइए आप। तो स्पेशली आप लोगों के लिए जो है ना ये कुरेशी कबाब की वीडियो में लेके आया हूँ भाई। बहुत आला भाई, बहुत ज़बरदस्त। और अब जो है ना इनका यहाँ पे भाई ये चेक करें भाई, ये है इनका मलाई टिक्का। तो एक मलाई टिक्का जो है ना आपको अलीगढ़ में मिलेगा, जिसमें आप खुद देखिएगा कि जो चिकन होते हैं ना वो काफ़ी जला जला सा लगेगा आपको, लेकिन ये चेक करें भाई यहाँ पे जो चिकन है ना काफ़ी देखने में ही ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से कुक किया गया भाई। इसको इस तरह से डुबाएंगे भाई बटर में, और फिर जो है ना इसका जो टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाह। टेस्ट वाइज बढ़िया, ग्रेवी वाइज जो है ना बहुत ज़बरदस्त है भाई। अब जो है भाई इनकी ग्रेवी के आइटम को चेक करेंगे भाई। यहाँ पे जो है ना ये ग्रेवी का आइटम है, ये है भाई इनका बटर चिकन प्याज़ा भाई, इसको ट्राई करते हैं। ये अलीगढ़ में फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट है भाई, तो इसको ट्राई करते हैं। बस बिस्मिल्लाह, ऊपर डालेंगे भाई थोड़ी सी ग्रेवी इसके। और ये है भाई इनकी रुमाली रोटी, चेक करें भाई साइज़ इसका चेक कर लें। इस रोटी की कीमत 6 रुपये है, और ये जो है ना आटे की रोटी है। आपको रुमाली रोटी मैदे की मिलेगी ज़्यादातर, यहाँ पे जो है ना ये भाई आटे की रोटी है। इसको ट्राई करेंगे बिस्मिल्लाह। तो भाई ये जो चेक करें भाई, यहाँ पे ना इनका जो ग्रेवी वाला आइटम है भाई, ये भाई ये जो निवाला तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाह। इसमें जो टेस्ट आ रहा है ना, एक तो सॉस का जो मीठापन होता है ना वो आ रहा है, इनकी जो ग्रेवी है ऐसा लग रहा है जैसा आपको एक चाट खा रहे हैं भाई। चाट का टेस्ट आपने देखा होगा कैसा होता है, खट्टा मीठा और बैलेंस जो टेस्ट होता है दही का क्रीम का, वो टेस्ट आ रहा है भाई इसके अंदर। और इसके अंदर जो पीसेस पड़े हैं ना वो फ्राइड चिकन के पीस पड़े हुए हैं भाई, वो जो है ना ये चेक करें भाई, ये इसके अंदर जो पीस पड़ा हुआ है भाई ये फ्राइड चिकन का पीस है, और इसको टेस्ट करते हैं। जो भाई बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल टेस्ट में। और इस पर ग्रेवी जो है ना वो अलीगढ़ में नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी अलग है वो ग्रेवी, थोड़ी सी अलग है भाई। और इसकी जो है ना एक बाइट और लेता हूँ मैं, और जो इस पर भाई ये हरी मिर्च लगा के जो टेस्ट आया भाई, बहुत। तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं
काफ़ी सुकून भरा माहौल है। फैमिली के साथ बिल्कुल आ सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रोशनी है, सर्विस बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज खाना बहुत अच्छा है, रेट वाइज खाना बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि जो है ना इनका मुझे जो है ये मटन कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई, तो इसको जो है ना मैं रोटी से ट्राई करूँगा। तो ये आ गया मटन कबाब, और फिर आएंगे थोड़ी सी ये ग्रेवी इनकी, उसके ऊपर रखेंगे ये प्याज यहाँ पे थोड़ा सा भाई, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ये जो निवाला तैयार हुआ भाई, हाँ हाँ हाँ, ये चक्कर है भाई, ये तैयार हुआ है निवाला। हाँ हाँ, बहुत बहुत भाई, पैसे वसूल हैं आपके, टेस्ट वाइज एक नंबर है भाई। अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं जरूर एक बार आप ट्राई कर सकते हैं उसको, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बेस्ट इनका मटन कबाब और फिश कबाब, बीफ कबाब भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है भाई, चिकन कबाब भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका ये बटर चिकन प्याज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिफरेंट ग्रेवी है, चंगेजी भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो इसी मज़ेदार सी कुरेशी कबाब के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मज़ेदार वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।